नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। सुप्रभात भारत में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। थाईलैंड के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम ने थाईलैंड के निवेशकों को भारत आने का दिया है न्योता। आज से ऑड-इवन नियम लागू, पालन नहीं करने पर देना होगा जुर्माना। दीपावली मिलन समारोह संपन्न, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में खुशहाली की गई है कामना। और अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से ऑड इवन स्कीम लागू कर दी है। जहरीली हो चुकी है दिल्ली की हवा के विषैले प्रभाव को कम करने के लिए आप सरकार ने ये नियम लागू किया है। सरकार को ये उम्मीद है कि इस नियम से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां कम निकलेगी, लिहाजा धुआं भी कम निकलेगा और पहले से भी भयानक खतरनाक हो चुके दिल्ली की हवा कुछ हद तक सांस लेने लायक बन जाएगी। आपको बताते जाएं कि ऑड इवन सिस्टम दिल्ली में तीसरी बार लागू किया गया है। कौन सी तारीख को किस नंबर की कार लेकर आप दिल्ली की सड़कों पर निकल सकते हैं ताकि आपको भारी भरकम जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। थाईलैंड के 3 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत रविवार को आदित्य बिरला समूह की स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया है और आर्थिक क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में भारत में 286 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो पिछले 20 साल में हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी निवेशकों को भारत आने का न्योता देते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को निवेश करने अनुकूल बनाने के साथ साथ वहां व्यवसाय को आसान बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में गतिरोध के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। रांकापा नेता अजीत पवार ने जानकारी दी है। संभावना है कि दोनों सहयोगी पार्टियों के शीर्ष नेता महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। वे राज्य में नई सरकार के गठन के लिए भाजपा से नाराज शिवसेना को समर्थन देने के बारे में कांग्रेस रांकापा गठबंधन का रुख स्पष्ट कर सकते हैं। वहीं शिवसेना ने 175 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया है। सिरोही जिले के आबू रोड के ग्रामीण क्षेत्र आमथला में आंध्रा के हरवंश सिंह देवड़ा के पुत्र बलवंत सिंह का टीका दस्तूरी कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। वधुपक्ष की ओर से वरपक्ष को देना चाहा, लेकिन वरपक्ष के बलवीर सिंह ने लेने से 31 लाख रुपए इनकार कर दिया। हनुमान सिंह ने बताया है कि इस तरह की पहल समाज में होती रहनी चाहिए और बताया कि सामाजिक रीति रिवाज में होने वाले अनाप शनाप खर्चों में भी कमी करने की आवश्यकता है। तो वहीं समाज के अन्य परिवार भी इससे प्रेरणा लेकर पहल करेंगे तो खर्चा कम होगा। बसी के बास्को में स्थित बालाजी मंदिर में राजस्थान आदिवासी सेवा संघ मीणा के पदाधिकारियों की तरफ से ग्राम पंचायत पड़ासोली में इकाई अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के चुनाव आपसी सहमति से संपूर्ण हुए। इसके बाद पदाधिकारियों को समाज में फैली अन्य सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए शपथ भी दिलाई गई है। इस मौके पर अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा, पड़ासोली उपाध्यक्ष राम खिलाड़ी मीणा बगरवाला, रामलाल मीणा महामंत्री, हनुमान प्रसाद मीणा, कन्हैया लाल मीणा पड़ासोली संगठन मंत्री, नरसी लाल मीणा मौजूद रहे हैं। विराटनगर विधानसभा में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद के नेतृत्व में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और अपने विचार व्यक्त करते हुए विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर विराटनगर पूर्व विधायक फूलचंद भींडा, बांसुर महेंद्र सिंह यादव भाजपा प्रत्याशी, थानागाजी पूर्व विधायक हेम सिंह भड़ाना गणपत वर्मा, विश्वकोट पुतली भाजपा प्रत्याशी मुकेश गोयल, मोहनलाल मंडावरा आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे हैं।
बाजवक को कस्बे में गोपाल जी महाराज के मंदिर में पंडितों की तरफ से विधि विधान से पूजा अर्चना करके भगवान के अन्नकूट की प्रसादी का भोग लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी ग्रहण करवाई गई। वहीं प्रसादी में कड़ी, बाजरा, पूड़ी, पुआ, खीर सहित अन्य चीजें शामिल की गई। इस दौरान कैलाश चंद मामोड़िया, हरिमोहन सांभरिया, भगवान बिवाल, रमेश बूसर आदि लोग मौजूद रहे हैं। वीर तेजा सेवा समिति बीकानेर द्वारा हर वर्ष की भांति शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले और सरकारी सेवा दे रहे समाज के सेवकों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर भागीरथ बिजरानिया, लेक्चरर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, लूणकनरसन विधायक सुमित गोदारा, डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी लाल महिया, इंजीनियर कॉलेज प्रिंसिपल प्रकाश जी भांबू बीकानेर, विजय ढोलिया और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। विधायक सुमित गोदारा ने कहा है कि समाज में फैली असामाजिक कुरीतियों को शिक्षा के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए VMR भारत टीवी। तब तक मुझे यानी कि योगिता शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुप्रभात।